15 अगस्त से आप लोगों को शुभकामना। जब मेरे पिताजी गुजरे वो आ गए हैं वो लोग भी, अब चलते हैं मेदी गांव पहुंचने वाले हैं। तो ये बोर्ड है डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के हाय पलाग नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हमारा इंडिपेंडेंट डे है, तो कोविड की वजह से पिछले साल भी नहीं हो पाया था स्कूलों में जो फंक्शन होता है। ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में स्कूलों में ही जो है इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, वैसे नहीं मनाया जाता। आप बने रहिए वीडियो में। और मौसम का हाल देख सकते हैं, पूरा कोहरा लगा हुआ है, देख सकते हैं पूरा मेरे पीछे। ये रोड पिथौरागढ़ वाली है, पूरा कोहरे से बंद है। और पीछे भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके का मौसम है अभी सुबह सुबह। बाद में अभी धूप खिलेगी वैसे, क्योंकि आजकल ऐसा ही मौसम हो रहा है, ये जब से चौमास चालू हुआ है तो सुबह सुबह ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है, जैसे कि जनवरी फरवरी की के दिन हो। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार मिलवाना चाहूँगा, ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ है इसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। तो आज मैं अब उन्हीं के एक वारिस से आपको मिलवाना चाहूँगा, आप उन्हें जानते भी होंगे, तो उनसे कुछ बातें करेंगे, पूछेंगे कैसा था जो उनके पिताजी थे, उनका रहन सहन और अब उनकी लाइफ कैसी बीत रही है, तो उन्हीं से पूछते हैं। चलिए फिर, तो ये हैं, इनको तो जानते होंगे, चचा हैं ये। तो यही जो है इनके जो पिताजी थे यानी कि हमारे बूबू, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे गांव से इकलौते। तो चचा 15 अगस्त जी आप लोगों को शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चचा, आपको कुछ याद है बूबू के बारे में? मेरे को क्या याद है, उस टाइम मैं 2.5 साल का था जब मेरे पिताजी गुजरे थे, 2.5 साल का था। अब उसके बाद जब हमारी कुछ पेंसिल भी लगवाई, कितनी मिलती है पेंसिल? अभी पेंसिल हमारी तो पहले 1000 मिलनी थी, अभी जो है ये धानी ने कुछ 5 कर दी, 5 हो गई है। मेरे को तो पता ही नहीं था, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। मैं अभी बता रहे हो इतनी बड़ी बात मेरे को। वो जमाई जी थे हमारे यहाँ खटीमा के, अच्छा वो क्या कहते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने अभी 5000 कर दी, 5000 करवाए। चलो अब 5000। तो चाचा, आपको अपने पिताजी के बारे में कुछ याद है, वो कैसे आदमी थे, क्या थे? सुना होगा 2 साल के थे तो याद तो। हाँ, हमारे ताई ताऊ लोग कहते थे, तेरे पिताजी कहते थे भाई ये तो कहाँ बसने वाला मेरा लगता है छोटा वाला। आपको? हाँ, आप सबसे छोटे हुए? सबसे छोटा हुआ, 2 भाई मेरे और एक बहन है, हम 4 भाई बहन हैं हमारे पिताजी के वारी। तो आपके पिताजी के मरने के बाद जब आपकी लाइफ कैसी चली, मतलब उसके बाद कैसी चली? उसके बाद तो मैं कभी इधर भटका कभी उधर भटका, भाई हमारे भी पिताजी देश के लिए कुछ करा है तो कुछ मिलता है हम लोगों को, गर्व महसूस हो रहा होगा आज 15 अगस्त के दिन, उनकी वजह से देश आजाद हुआ है, देश आजाद है। आज हम जाने की सोच रहा हूँ स्कूल आज जो ये 15 अगस्त मनाया जा रहा है, किसकी वजह से? उनकी वजह से तो मनाया जा रहा है, वो नहीं होते तो देश आजाद थोड़ी होता। कहाँ से होता? पिताजी ने बहुत कुछ करा हमारे लिए, देश के लिए, देश के लिए करा, तो इसके मतलब हमारे लिए सब कुछ कर गए हैं। गाड़ी हमारे लिए फ्री है, आना जाना रहना सहना फ्री है, पिताजी के वजह से हमारे को सब जानते हैं, धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों चचा, आपने सुना होगा चचा ने बहुत कुछ बातें बताई। तो 2 साल के थे जब हमारे चचा के जो पिताजी हैं यानी कि बूबू, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद चचा जो है ऐसे ही भटकते रहे, अब चचा जो है आजकल फिट हैं। अब सही हूँ मैं, अब 5000 पेंशन हो गई है तो फिर तो होना ही पड़ेगा। पुष्कर सिंह धामी ने हमारे जमाई हैं, हटिमा के रहने वाले हैं, उनने जरा हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दिया। चलिए फिर दोस्तों, अब मिलते हैं आपको। अभी आज मैंने जाना है कहाँ, गंगोली हाट जाना है,
जरा कल रात आया था सोनू भाई, कहने लगा यार गणेश दा गंगोली हार जाना है कल को, वहाँ पे जो है दौड़ है, रैली है, जो इनाम इनाम मिलेगा। तो मैंने कहा चल भैया ले चलते हैं। तो अभी आने वाला है वो, अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, तो उसके बाद चलते हैं। तो निकल चुके हैं घर से, अभी ऊपर रुके हुए थे थोड़ा छिनीदार में, क्योंकि एक लड़का और आ रहा है, दोनों को लेके जाना है आज रैली में। सोनू का तो मुश्किल ही लग रहा है, इसका तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, अगर ये जीता नहीं तो मैं इसको को भी नहीं लाने वाला हूँ। तो इसी से बात करते हैं। तो सोनू भाई कैसी चल रही है तैयारी? बस तैयारी तो ठीक ही चल रही है। ठीक ही चल रही है तैयारी। कैसी, जीत पाएगा आज? हाँ पक्का? हाँ नहीं जीता तो नहीं लाऊंगा घर को। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब निकलते हैं, वो लोग भी आ गए हैं शायद, सामने वो आ गए हैं वो लोग भी। अब चलते हैं सीधे गंगोली आटी, मिलते हैं अब। ए दो जीतना तो पड़ेगा ही, तो चलते हैं अब। चलो चल चलो, आगे खड़ी है अपनी गाड़ी। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू भाई हैं मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं। अब खेती गांव पहुंचने वाले हैं। तो ये बोर्ड है, अब अंदर चलते हैं। काफी लड़के आए हुए हैं रेस्ट हाउस है गंगोली आज का, देखते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पहले, वहाँ पे हो रहे हैं। दौड़ रहा है ना? चल गुड। तो दोस्तों अब स्टार्ट ही होने वाली है, ये गाड़ी आगे आगे रहेगी और इसके पीछे से फिर जो लड़के, दो तीन लड़के हमारे भी हैं, 4 लड़के। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबा भाई शाबा शाबा। खेत 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 सोनू खेत साबा खेत खेत साबा 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 साबा। सेकंड और थर्ड। अरे मोनू